और इस वक्त की अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां पर सीए के समर्थन में बीजेपी बड़ा अभियान चलाने जा रही है। जी हां, ट्विटर कैंपेन के जरिए सीए के समर्थन में बीजेपी का महाअभियान, हैशटैग इंडिया सपोर्ट पर सीए का करेंगे समर्थन, लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान जारी। तो सीए के समर्थन में बीजेपी का बड़ा अभियान, बीजेपी का ट्विटर कैंपेन हैशटैग इंडिया सपोर्ट पर सीए का करेंगे समर्थन। और हमारे साथ स्टेट हेड राजेश सक्सेना जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। राजेश जी, सीए के समर्थन में बीजेपी ने पहले ही अपना बड़ा अभियान शुरू कर दिया, अब ट्विटर कैंपेन के जरिए भी समर्थन की व्यवस्था यानी कि समर्थन के लिए मैदान में है बीजेपी। देखिए, निश्चित तौर पर अगर एक तरफ हम विपक्ष की बात करें या कांग्रेस की बात करें, तमाम विपक्षी पार्टियों की बात करें, एनआरसी और सीए को लेकर पूरे देश में इसका विरोध किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी हमने जिस तरह से देखा कि मुख्यमंत्री कमलनाथ से लेकर जीत भी है, वो सड़कों पर उतरे, पैदल मार्च किया और सीएए और एनआरसी के खिलाफ एक जंग वहां से शुरू हुई। लगातार ये विपक्ष की तरफ से जंग जारी है। अब कहीं ना कहीं बीजेपी भी अब इस पूरे मामले को लेकर सड़कों पर है और दूसरी तरफ सोशल मीडिया का इस्तेमाल इसके लिए किया जा रहा है। और यही कारण है कि सीएए और एनआरसी को लेकर जो बीजेपी है वो एक बड़ा कैंपेन सोशल मीडिया पर, ट्विटर के जरिए चलाने की तैयारी में है। आज इसकी शुरुआत हो रही है। हैशटैग के जरिए ये सारे जो कैंपेन है बीजेपी का वो चलाया जाएगा और कहीं ना कहीं बीजेपी की एक कोशिश है कि इसके जरिए लोगों को जागरूक किया जाए, ये बताया जाए कि जिस तरह से बताया जा रहा है ऐसा नहीं है। और लगातार इसको लेकर जो एक रणनीति है बीजेपी की, हमने देखा दो दिन पहले प्रदेश बीजेपी कार्यालय में भी एक इसी को लेकर एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी और यही कारण है कि प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव भी फिलहाल टाल दिया गया है। अब पूरा फोकस जो पार्टी का है वो इसी को लेकर है कि कैसे जो पूरे बवाल मचा है उसको शांत किया जाए। जो लगातार एक निगेटिविटी केंद्र सरकार के खिलाफ, बीजेपी सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ बन रही है, उसको कैसे नियंत्रित किया जाए और इसी के लिए ये कैंपेन बीजेपी शुरू कर रही है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश हमारे साथ इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।